ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। नवरात्र के दिनों में यह मंत्र घरों और मंदिरों में गूंजते आपने जरूर सुना हो। आज हम आपको नवरात्र के पहले एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं जहां माता की महिमा कहीं सुनी ही नहीं बल्कि देखी भी जा सकती है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब चलते हैं। कानपुर के घाटमपुर में स्थित कुष्मांडा माँ के दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से निकलने लगे तो हमसे किसी ने कहा कि भद्रास चले जाओ, माँ काली मिलेंगी साक्षात। फिर क्या था, हमने गाड़ी मुड़वा ली गांव भद्रपुर भद्रास की ओर। कुष्मांडा माता के मंदिर से यही कोई 5-6 किलोमीटर दूर ही रहा होगा। पूरा गांव पार करके गांव के पीछे स्थित मंदिर जाने में हमें काफी समय लगा। ये मंदिर गांव के पीछे क्यों है इसकी वजह आपको मंदिर पहुंचने पर पता लगेगी। आइए अब चलते हैं। विराजमान है स्वयं, जिनकी मूर्ति रखी नहीं गई ये स्वयं विराजमान है यहीं से। ये हमारा जो ग्राम है भद्रास भद्रपुर भद्रास के नाम से, ये माता जी के पीछे था। माता आदिशक्ति जो ये नगर ही है, ये वही नगर है। माता ने ये बुजुर्ग लोग बताया करती थी, बहुत पौराणिक बात है ये, बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि एक हमारे यहाँ वाजपेयी जी थे, वो बालापन से ही जो उनका जन्म हुआ था वो अंधे ही थे। अंधे थे तो ये रोज दर्शन किया करने आया करते थे भगवत जी के यहाँ। उनके चरणों में लेटा देते थे, बच्चे थे उनके पिताजी लाया करते थे, तो दोनों नेत्रहीन थे, उनको कुछ नहीं दिखाई देता था। बुलाते थे माँ जगदम्बा के पास, तो जब लाए ला करके मैं रात्रि, एक दिन अर्धरात्रि का समय था, उनको अचानक नींद खुल गई। वो सोचा कि चलो सुबह का वक्त है और सुबह बेला पर ब्रह्म बेला की मुहूर्त है, अचानक नींद खुल गई। तो कम से कम 12:30 बजे के अर्धरात्रि में लेकर के पहुंचे। यहाँ पर एक विशेष बात और है, यहाँ पर गरीब बाबा के नाम से है तो वो ही पहले इस आदिशक्ति का पूजन करते हैं। तो वो पूजन कर रहे थे वो गली वाले बाबा, तभी वो लेकर के आए, उनकी अचानक नींद खुल गई। भाई रोज का समय था, वो जान गए कि चलो ब्रह्म वेला है हम चले। तो आए आकर के देखा, उनके बड़ी बड़ी जुटाएं थी, पैर तक बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें थी। पूजन कर रहे थे, उन्होंने देखा तो देख करके खैर वो ठहरे नहीं, उनके पिताजी उन्होंने वो जानते थे, सुना करते थे, पहले देखा नहीं सुना करते थे कि इस प्रकार के जो गली वाले बाबा हैं पहले आदिशक्ति का पूजन वही करते हैं। तो उनको जान समझ गए, उन्होंने जब देखा कि अरे वही गली बाबा हैं जो बुजुर्ग बताए थे, उनको देख करके अपने बच्चे को उनके चरणों में डाल दिया। डाल करके कहा भगवान हमारा बच्चा नेत्रहीन है जन्म से, और आप इसको नेत्र का प्रकाश कीजिए। उनकी कृपा से उन्होंने कृपा कर दिया और कहा कितनी अर्धरात में मत आया करो, अपनी सुबह लाया करो, तुम्हारे बच्चों की जाओ प्रकाश भगवान मैया शक्ति ने दे दिया। उनके द्वारा आज अभी अभी हम लोगों के सामने वो जीवित रहे हैं, वृद्ध होकर के खत्म हो गए, वो स्वयं बताया करते थे। और ये फिर माता ने स्वप्न दिया कि अब आप हमारे पीछे आप सभी लोग रह रहे हो, ये जो है यहाँ से सब लोग अपना मकान जा करके हमारे आगे बढ़े, क्योंकि हम हमारी देख रेख में रहो और हम आपकी रक्षा करें। इस वजह से ये यहाँ से हम सब हमारे बुजुर्ग लोग सभी लोग इसको छोड़ करके पलायन करेंगे। तभी ये गड़ी देखो 40 बीघा की गड़ी है, तभी हम सब लोग वहाँ से
यहाँ से आगे इनके मैया के सब लोग रह रहे हैं, जन्मजात से सभी लोग यहाँ रह रहे हैं, आज सभी अम्मा का पूजन करते हैं बहुत दूर दूर से। ये सबका कष्ट को निवारण करने वाली ये आदि शक्ति है। यहाँ जो भी लोग अपनी मनोकामना करके आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मैया तो आशीर्वाद देती है, जितना जब कुछ ये कुछ दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का प्रताप है। हम सब आप लोगों का जब कार्य जो सिद्ध पूर्ण हो जाते हैं वही आकर के ये सभी लोग ये सब कुछ करते हैं, हम ये खुद करेंगे, हम ये करेंगे, ये उन्हीं की मैया की कला है। हम ही सब लोग मैया के पास है क्या? मैया के पास कुछ है? मैया को भोग लगाया जाता है क्या? मैया खाती है? मैया अगर खाएंगी तो उनको खिला कौन सकता है?